लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी को अभी चैन की बंसी बजाने या चिंतन मनन के लिए थाईलैंड की टूर पर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इन दिनों बेल टूरिज्म कर रहे हैं, यानी जमानती टूर पर हैं। राहुल के खिलाफ देश के कई शहरों की कोर्ट में केस दर्ज कराए गए हैं और राहुल गांधी घूम घूम कर अदालतों से जमानत लेते फिर रहे हैं। इस महीने भी राहुल गांधी को एक के बाद एक कई अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 4 जुलाई को राहुल गांधी मुंबई की शिवडी कोर्ट में आरएसएस पर टिप्पणी करने के मामले में पेश हुए थे। इसके बाद 6 जुलाई को राहुल गांधी की पटना हाई कोर्ट में पेशी हुई, जो सारे मोदियों को चोर बोलने के मामले में थी। इसके बाद 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या आरोपी पार्टी प्रेसिडेंट वाले बयान पर राहुल गांधी की अहमदाबाद कोर्ट में पेशी है। 3 दिन बाद 12 जुलाई को अहमदाबाद ठीकी कोर्ट में आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी है। इसके बाद 24 जुलाई को सूरत की कोर्ट में पेशी है। वहीं ठाणे की भिवंडी की अदालत में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी इन दिनों शहर शहर घूमकर अदालतों में जमानत की अर्जी लगाते फिर रहे हैं। लोगों ने इसे एक नया नाम जमानत पर्यटन यानी बेल टूरिज्म दे दिया है।